मैं सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह। आइए हम सुबह की प्रार्थना में चलते हैं और मेरा बिलीव है आज की प्रार्थना आपको छुड़ाए कि जो लोग परेशान हैं, दुखी हैं, चिंताएं में हैं, बोझ में दबे हुए हैं, उनके लिए ये वचन काफ़ी उसके लिए हथियार बन के आएगा और उन्हें संभालेगा, उन्हें सपोर्ट करेगा और आज की प्रार्थना के द्वारा उनके बंधन टूटेंगे खुदा यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रभु धन्यवाद की भेंटा प्रभु को देते हैं जिसने हमें पूरा रात हमें संभाल के रखा है। अपनी आँखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान दयावान दयालु कृपालु हमारे जीवते परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने पिता परमेश्वर पूरी रात हमें संभाला, अच्छी नींद दी, मीठी नींद दी और पिता परमेश्वर अब हम जाग उठे हैं, अपने बिस्तर से उठ खड़े हुए हैं पिता परमेश्वर जी, क्योंकि आप हमें संभालते हो मेरे परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें तंदुरुस्ती दी है और जीवते की मंडली में प्रभु जी हमें शामिल किया पिता परमेश्वर। बहुत सारे कुछ ऐसे लोग पिता परमेश्वर जो रात को सोए, सुबह उठ ना सके पिता परमेश्वर खुदा यीशु, अपने बिस्तर से प्रभु परमेश्वर वो उठ ना पाए पिता परमेश्वर खुदा यीशु। आज हम आपका धन्यवाद कहते हैं कि आपने हमें जीवतों की मंडली में शामिल किया, हमें ये सांसें दी पिता परमेश्वर, ये पिता परमेश्वर जी तंदुरुस्ती दी पिता सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस प्यार इस मोहब्बत के लिए प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम अपना सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, अपना रूह जिस्म जान, अपना प्राण प्रभु जी, अपना विवेक प्रभु, हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। धन्यवाद कहते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे फाटक में प्रवेश करते मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। धन्यवाद कहते हैं, महिमा करते, बड़ाई करते प्रभु, तेरे नाम को हम इज्जत और जलाल देते हैं खुदा यीशु आजा, खुदा यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आज मेरा विश्वास है आज जो हम वचन सुनने जा रहे हैं इस वचन के द्वारा आपके बंधन टूटेंगे, जो परेशानियां हैं उसके आपके जीवन में परेशानियां खत्म हो जाएगी अगर आप विश्वास के साथ इन वचन को सुनेंगे और ग्रहण करेंगे। वचन को सुनने से पहले हम प्रभु के आगे प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते सामर्थ्य परमेश्वर, सर्वशक्तिमान दयावान दयालु कृपालु हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद आपकी तारीफ करते प्रभु जी कि ये आपने सुंदर समय हमें दिया वचन को पढ़ने का, सुनने का, देखने का मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदा यीशु आजा। हम अपने दिलों को खोलते पिता परमेश्वर, अपने मन को तैयार करते प्रभु तेरे वचन को ग्रहण करने के लिए प्रभु जी, अपने जीवन में इस्तेमाल करने के लिए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। और पिता मेरा बिलीव करती हूँ जितने लोग इस वचन को सुनेगा, सुन रहे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, बड़ी आशीष को, बड़ी बरकत को और पिता छुटकारे को पाएंगे यीशु तेरे नाम से पिता परमेश्वर। आज का वचन प्रभु जी इनके हृदयों की तख्तियों में लिखा जाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर और इन वचनों पर वो चले, मनन करें मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा यीशु मसीह के पवित्र बड़े नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आज का वचन जो मैं आपको देने वाली हूँ वो कहोता है, कहोता निकालेंगे जिसे हम नीति वचन हिंदी में नीति वचन बोलते हैं और पंजाबी में कहोता बोलते हैं। नीति वचन उसकी 3 अध्याय निकालेंगे, 3 अध्याय, यस यस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसका पहला हम पढ़ेंगे, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रखना। हालेलुया, जो लोग बड़े परेशान हैं, बहुत दुखी है, बहुत ज़्यादा दुखी है, खास तौर पे मसीह लोग भी परेशान हैं। दूसरे लोगों तो हमने देखा था कि वो तो परेशान होते क्योंकि वो अपने ही गलत कामों के कारण परेशानी में पड़े हुए हैं, बट अब मसीह लोग क्यों परेशानी में हैं? मसीह लोगों को भी बहुत सारी विपत्ति आ रही है, जैसे कि वचन कहता है कि धर्मी पर बहुत सारी विपत्ति आएंगी, पर धर्मी उन विपत्तियों से निकल पड़ेगा, यहोवा क्योंकि उनको संभालता है। तो आज जो भी धर्मी लोग विपत्ति में, तो परमेश्वर आपको संभालेगा। आपको सिर्फ जरूरत है परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने की, परमेश्वर के वचन की ढाल को संभाले रखने की। हालेलुया। तो नीति वचन में लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञा को रखे रखना। क्योंकि बहुत सारी जब परेशानियाँ आती तो इंसान क्या डब उगाने लगता है ना, ये वो डोलने लगता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मैं इतना प्रभु का ध्यान करता हूँ, मैं फास्टिंग भी करता हूँ, रूह सच्चाई से चल रहा हूँ, पवित्रता ही मुझ में है, फिर भी मुझे इन सब परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। तो कभी कभार दोस्तों ऐसा होता है, बट ऐसा कभी ना अपने आप को ये समझे कि परमेश्वर हमारे संग नहीं है। परमेश्वर आपके साथ है, वो हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है, हमेशा आपको यानी कि वो ताकता रहता है, देखता रहता है, और वो भी खुश नहीं होता है आपकी परेशानी को देख कर कि आप परेशानी में हो और आप दुख में हो, वो भी खुश नहीं होता है। उसका हम यही नीति वचन 3 का हम निकालेंगे, क्योंकि उसका वचन कहता है, मेरे पुत्र यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना और जब वे तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। हालेलुया, तो आपने बुरा नहीं मानना है, जैसे भी हालात है खुश रहना है, धन्यवाद करना। जैसे अजूब नबी था, अजूब नबी के ऊपर बहुत सारी विपत्ताएं पड़े, तो क्या वो पीछे हट गया था प्रभु से? क्या वो पीछे प्रभु का नाम ध्यान उसने बंद कर दिया था? नहीं, वो बड़ा अपने विश्वास में खड़ा रहा और धन्य कहता रहे प्रभु के नाम को। प्रभु देने वाला तू ही है, लेने वाला भी तू ही है, तेरा नाम मुबारक हो।
तो वो उसने अगर प्रभु को धन्य किया, इतना सब कुछ चला भी गया, जहाँ तक सिर्फ सांसें थी उसके पास, उसकी बॉडी भी उसका साथ नहीं दे रही थी, फिर भी वो धन्यवाद कहता कि प्रभु ये तेरा है, तूने ले लिया, तेरा धन्यवाद। तो आज अगर आप परेशानी में हो तो परमेश्वर की महिमा कीजिए, प्रभु आपका धन्यवाद। अब आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, हमारी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो कि आप हमसे क्या चाहते हो। और उसका बारे में लिखा है, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसी को डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वे अधिक चाहता है। हालेलुया। तो आपके जीवन में अगर परेशानियां हैं तो परमेश्वर इसमें साफ परमेश्वर ने कह दिया है कि क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसी को डांटता है, जिससे प्रभु ज़्यादा प्यार करता है उसी को ऐसी प्रॉब्लम आती है, विपता आती है। और हमें हमें ये आनंद की बात समझनी चाहिए, मसीह लोगों को आनंद की बात समझे, जब ऐसी विपत्तियाँ आए तो आनंद की बात समझो, क्योंकि हमारे परमेश्वर के साथ भी ऐसा हुआ था, हमारे जीवते परमेश्वर के साथ भी ऐसा हुआ, तो हमें आनंद की बात समझी, घबराना नहीं, चिंता नहीं करनी है, सब चिंताओं को छोड़ देना है। और मैं वहां एक वचन आपको और देना चाहूंगी, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। नीति वचन 4 और उसका 23 पद हम निकालेंगे। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जब आप पर परेशानी आ रही है तो मसीह लोग क्या इधर उधर भटकने लगते हैं, और परमेश्वर क्या कहता है, अपने मन की रक्षा कर। मतलब जब ऐसी परेशानियां आ रही तो अपने मन की चौकसी कर, इसकी रक्षा कर, क्योंकि यही हमारे मन को भटकाता है, यही हमें गलत रास्ते पर लेकर जाता है, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन के मन मूल स्रोत हमारा मन ही है, मन ही है जो हमारे गलत रास्ते पर हमें लेके जाता है, मन ही है जो सही रास्ते पर हमें खड़ता है, और मन ही है जो अभिलाषों में भर जाता है, अभिलाषों में आकर हम बहुत सारे ऐसे काम भी कर बैठे हैं। इसलिए अगर आपके जीवन में अभी परेशानियाँ चल रही है, तकलीफें चल रही है, तो मत घबराएं। कभी कभी परमेश्वर भी हमें ऐसे हालातों में रखता है, हमें मजबूत करने के लिए। आने वाला समय बड़ा भयानक है, उसमें हमें और दृढ़ करने के लिए परमेश्वर हमें ऐसे समय दिखा रहा है कि अगर हम इन समों में निकलेंगे तो आगे जाके हमें परेशानी नहीं होगी। और अपने मन की रक्षा करो, मन क्योंकि यही है जो हमें गिराता है, यही हमें जो ऊँचा करता है, इसलिए हमने मन की चौकसी करनी है, मन को संभालना है, कंट्रोल में अपने में रखना है। हालेलुया। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। जो लोग टूटे हैं मसीह में, प्रभु उनको सीधा करेगा फिर से, क्योंकि ये उनका वादा है। टूटे हुओं को मनों को वो जोड़ता है, उन्हें संभालता है, सहारा देता है। तो जो अनाथ है, जो कभी ना समझे कि हम अकेले हैं, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर की हजूरी आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके साथ है जो आपकी हेल्प करती है। पवित्र आत्मा से मांगिए, पवित्र आत्मा से मांगिए, वो आपको हर मदद सहायता करेगी, क्योंकि हमें वो दी इसलिए गई है कि हम हमारी मदद सहायता करें, हमें सपोर्ट करें पवित्र आत्मा, हमें उन रास्तों को से जब हम बुरे रास्तों में चले तो हमारे सहायक बन के, हमारी ढाल बन के हमारे साथ खड़ी हो जाए। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा से मांगना पाना ये हमारी जिम्मेवारी है, मसीह में बढ़ना और बढ़ना ये हमारी जिम्मेवारी है। इसलिए हम पवित्र आत्मा को पुकारते हैं, हे पाकरू, हे पाकरू, हे पाकरू, हम तुझे पुकारते हैं, पवित्र पवित्र पाकरू, हम तुझे पुकारते हैं, हमारे जीवन में आए पाकरू, हमारे जीवन में आए पाकरू, हमारी अगुवाई करे पाकरू, हमारी अगुवाई करे पाकरू, पाकरू हमारे रास्तों को साफ करे, पाकरू हमारे रास्तों को साफ कर, पाकरू हमें बड़ा आत्मा में बड़ा पाकरू, हमारे रस्तों को साफ कर, हमें मसीह से भर दे, हमें दिलेरी का आत्मा दे, हमें दिलेरी का आत्मा दे, डर का आत्मा हरे हमारे अंदर से खत्म कर। जब हमारे जीवन में ऐसी परेशानियां, ऐसी परिस्थितियां आ जाए तो हम घबराए ना, डर का आत्मा हमारे अंदर से खत्म कर, पाकरू हमारे अंदर से डर का आत्मा खत्म कर, हमें दिलेरी का आत्मा दे कि हम अपने मन की चौकसी कर सके, हमारे मन की चौकसी कर सके, हम अपने मन की चौकसी कर सके। हालेलुया। रिदा बाबा रा बरा खा मुंदल्ला मन नमा साखरु मुंदल्ला बरा बारी खा मुंदल्ला रुजा बाबा रे बदी खा मुंदल्ला बरा बखरु मुंदल्ला मन नमा साखरु मुंदल्ला बा साखरु दल्ला उ राजा बाबा रे बखी दल्ला उ राजा बाबा रे खा मुंदल्ला बरा बा सिखरा बदल्ला। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड सामर्थी परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा मेरी मदद सहायता करने के लिए, धन्यवाद पवित्र आत्मा मेरी सहायक पवित्र आत्मा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। समय की कमी होने के कारण हमें प्रार्थना थोड़ी कम करनी पड़ती है, इसलिए खुदावन के बच्चों, खुदावन की ओर मुड़ो, खुदावन को पुकारो, चाहे बुरे हालात हो रहे हैं उसमें भी अपने आप को मजबूत करो। परमेश्वर आपको हर एक परीक्षा से बाहर निकालेगा, हर एक तंगी से बाहर निकालेगा,
ये हमारा भरोसा है और हमारा परमेश्वर हमारा भरोसा कभी नहीं तोड़ता, वो हमारे संग रहता है, हमें जीवते कोई मंडली में अभी तक रखा है तो आगे भी वो रखता रहेगा, हमारी हमें खाने को देता है, पीने को देता है, रहने को देता है, वो कभी अपने बच्चों को भूखा सोने नहीं देता, हालेलुया, तो आगे भी वो आपको भूखा कभी नहीं सोने देगा, हालेलुया। धन्यवाद कहते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आइए आंखों को बंद करें और प्रभु का धन्यवाद कहते हैं। लास्ट प्रार्थना में चलते हैं, सर्वशक्तिमान दयावान दयालु कृपालु हमारे जीवते परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद कहते हैं आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने नीति वचन में हमें समझाया मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु आप जानते भी उसी को जिससे आप प्यार करते हो पिता परमेश्वर, आपने कहा अपने मन की रक्षा कर, ये मन आपको गलत दिशा पर ना लेके जाए पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद कहते हैं, तारीफ करते पिता परमेश्वर हमसे बात करने के लिए, हम आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी हमें दिलेरी का आत्मा देने के लिए, पवित्र आत्मा हमारी सहायक हमें देने के लिए, मेरे सामर्थ्य परमेश्वर डर का आत्मा है अंदर से खत्म करने के लिए और दिलेरी का आत्मा देने के लिए प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते, स्तुति करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जितने लोग प्रभु इस वीडियो को देखेंगे या देख रहे हैं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, प्रभु तेरे बड़े अनुग्रह को पाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, जैसे कि आपके वचन में लिखा आपका जो दाहिने हाथ है उसमें लंबी उम्र है और पिता बाएं हाथ में प्रभु जी प्रभु धन और आदर है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, ये दोनों हाथ प्रभु इनके ऊपर आए पिता परमेश्वर, इनके ऊपर आए पिता परमेश्वर, धन आदर पिता परमेश्वर और मान सम्मान प्रभु जी इनको मिले मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, घरों में जो लड़ाई झगड़े क्लेश की आत्मा खुदा यीशु तेरे नाम से खत्म हो जाए इनके जीवन से, पति पत्नी के जीवन में प्रभु जी रिलेशनशिप खराब पड़ी है पिता परमेश्वर, टूटी पड़ी है खुदा यीशु तेरे नाम से वो पति पत्नी का रिश्ता प्रभु फिर से जीवित हो जाए खुदा यीशु आजा, प्रभु जो बच्चे अनाथ है खुदा यीशु आजा, कभी भी अपने आप को अनाथ महसूस ना करे खुदा यीशु आजा, तेरा फेवर प्रभु उनके ऊपर आए प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा जो मेरी आज्ञाओं पर चलता है वो मनुष्य और परमेश्वर दोनों का फेवर पाता है प्रभु जी, प्रभु जी तेरी आज्ञाओं पर चलते हैं पिता परमेश्वर, इनको इनके ऊपर प्रभु जी मनुष्य और प्रभु तेरा फेवर इनके ऊपर आए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद कहते हैं, तारीफ करते प्रभु परमेश्वर जी, बहुत सारी बहने प्रभु जी जो अपने घर को सेल करना चाहती है, घर सेल नहीं हो पा रहा मेरे सामर्थ्य परमेश्वर जी, प्रभु इन पर दया कीजिए, इनके घर सेल हो जाए पिता, जो फाइनेंशियली कंडीशन प्रभु दूर हो जाए प्रभु जी, बहुत जो पाकिस्तान से लोग मुझे देख रहे हैं प्रभु जी फाइनेंशियली कंडीशन में वीक है प्रभु जी, बीमारियां घर में क्लेश है पिता परमेश्वर, प्रभु जी रसोलियां पत्थरियां पिता परमेश्वर, यीशु तेरे नाम से हर रसोली हर एक पत्थरी जाए, हर एक फाइनेंशियली प्रभु यीशु तेरे नाम से जाए प्रभु, हर गरीबी का श्राप यीशु तेरे नाम से टूट जाए इनके जीवन से मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद कहते तारीफ करते, बहुत सारे लोग प्रभु जी क्वारिज भेज रहे प्रभु जी, रिक्वेस्ट करे प्रभु जी, सबकी रिक्वेस्ट को सुने पिता परमेश्वर, सबकी दुआओं को कबूल करे प्रभु जी, कुलविंदर कौर के प्रभु जी बेटे को प्रभु जी नशे की आत्मा से आजाद करे प्रभु जी, हर एक नशे की आत्मा से बेटे को छोड़कर चली जाए यीशु तेरे नाम से मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, खुदा यीशु आजा पिता परमेश्वर, तेरी महिमा तेरी बड़ियाई करते पिता परमेश्वर जी, रोबन मसीह के लिए प्रार्थना करते जो उनके पास कोई भी काम नहीं है पिता परमेश्वर, कोई भी काम काज नहीं पिता परमेश्वर जी, खुदा बंदी के दिनों में प्रभु परमेश्वर खुदा इन्हें संभाले मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, की रक्षा करे पिता परमेश्वर, काम दे पिता पिता परमेश्वर जी, क्योंकि आपको वचन कहता है मैं तुझे प्रभु परमेश्वर जी इतना दूंगा कि रखने की जगह न होगी, पिता इन्हें पिता दीजिए प्रभु परमेश्वर, मुश्किल के दिनों में प्रभु जी ने संभाले मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, बहुत सारे ऐसे भाई बहन प्रभु जी जो मंदी के दिनों में गुजर रहे प्रभु परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर जो सच्चे धर्मी होते हैं उन पर कोई भी पिता परमेश्वर मंदी के दिन कोई असर नहीं पड़ता मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, प्रभु जी इन पर दया कीजिए, तरस करिए प्रभु जी, इन पर दया कीजिए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद कहते पिता परमेश्वर, मैं सबको आपके हाथों में सौंपती हूँ, अपना रूह जिस्म जान अपना प्राण मैं अपने भाई बहनों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी, इनके प्रभु परमेश्वर बिजनेस को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ, इनके कारोबारों को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ, आपके लहू को मैं कवर करती हूँ प्रभु यीशु तेरे नाम से, धन्यवाद कहते पिता परमेश्वर, मेरा विश्वास है जो लोग प्रभु प्रार्थना में मौजूद है प्रभु बड़ी गवाही के साथ बड़ी रीति के साथ खड़े होने वाले पिता यीशु तेरे नाम से पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो आपके नाम की बड़ाई हो पिता परमेश्वर, आप हमारे जीवन बढ़ते जाए और हम घटते जाए खुदा यीशु आजा, आपका आत्मा हमें प्रभु परमेश्वर बोले और कार्य करे खुदा यीशु तेरे नाम से, धन्यवाद कहते सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। तो दोस्तों परमेश्वर में बने रहे, घबराना नहीं, चिंता नहीं करनी है, परमेश्वर ने वचन आपको मिल चुका है, मुझे विश्वास है इस वचन के द्वारा आपको काफी दिलेरी मिल चुकी है खुदा यीशु मसीह के नाम से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की।